हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम बनाते हैं मशरूम मसाला करी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 पैक लिए थे मशरूम के, जो करीब 400 ग्राम हैं। इनको पहले मैंने आटे से अच्छी तरह से स्क्रब कर लिया, क्योंकि इनके ऊपर थोड़े काले काले से पार्टिकल्स लगे होते हैं, जिन्हें अच्छी तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पानी से बहुत अच्छी तरह के तरीके से साफ़ नहीं होते, तो इसलिए हम इसको आटे से अच्छी से स्क्रब कर लेंगे और 2-3 पानियों में धो लेंगे। और इनको हम बड़े मशरूम को 6 पार्ट्स में और छोटे मशरूम को 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे। मशरूम काटने से पहले उसकी स्टेम की थोड़ी सी टिप हटा देंगे। उसके बाद तड़के के लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 1 प्याज मीडियम साइज़ की, 1.5 इंच अदरक और 12 से 15 लहसुन की कलियाँ। और लहसुन, अदरक और प्याज को हम रफली चॉप करके इस थ्रेड चॉपर में डाल देंगे और इसको बिल्कुल महीन चॉप कर लेंगे। चाहें तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ग्राइंड करना जो है अवॉइड कीजिए, सिर्फ प्याज को, क्योंकि प्याज मिक्सी में जब ग्राइंड किया होता है उसको भूनने में एक तो टाइम बहुत लगता है और एक अलग अलग सी महक छोड़ता है वो। तो आप चाहे कट कर लें या कद्दूकस कर लें। इधर गैस पर हमने एक कुकर चढ़ा दिया, उसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल दिया, वो गरम कर लिया। उसमें हम मशरूम को 1-2 मिनट के लिए चला लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसका कच्चापन, और इसमें जो हल्की सी महक होती है वो इस तरह फ्राई करने से निकल जाती है। बस 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक अलग बोल में। तो चलिए, ये हो गया हमारा मशरूम फ्राई। अब हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी। इसी कुकर में हम तड़का लगा लेंगे। ये देखिए, मशरूम इस तरह का हो गया। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, सरसों का तेल, और फिर इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, और इसको भी मैं चटकने दूंगी। जब ये चटक जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, लहसुन, अदरक जो बारीक चॉप करके हमने रखे हैं वो। और प्याज इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, नहीं तो ये मीठी मीठी सब्ज़ी बनती है। और इधर जो हमने मशरूम फ्राई करे थे, इसमें से पानी निकल आता है, तो ये पानी को आप हटा दें, क्योंकि इसी से हल्का सा महक आती रहती है इसमें। तो पानी ये हटा देते हैं हम, और फिर प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने गोल्डन ब्राउन करना है इसे। और इधर हमने टमाटर को रफली चॉप कर लिया, इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसकी हम प्योरी बना लेंगे। और उधर जो है हमारा प्याज जो है काफ़ी अच्छा भुन गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये बस इतना ही करना है। इसके बाद हम इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इनको डाल के हम अच्छी तरह से इन्हें चलाएंगे। और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने स्वादानुसार ऐड कीजिए, मैंने 1 चम्मच नमक डाला है इसमें। टमाटर खट्टे हों तो 4 ही काफ़ी हैं, वरना उसमें 1-2 टमाटर और ऐड कर लें। इस वक्त हमारा जो मसाला है अदभुना सा हो गया है। इस वक्त हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देते हैं, इससे इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और कुछ सूखे मसाले जैसे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च सादी, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर के भुना कुटा धनिया ज़ीरा, और 1 चम्मच ही किचन किंग मसाला। अगर किचन किंग मसाला अवेलेबल नहीं है तो चना मसाला भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्ज़ी फिर भी स्वाद बनेगी। बस थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है और कुछ भी नहीं है। सूखे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह चला लें, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं। और हमारा मसाला जो है भुनने पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, कुकर के बेस में ऑयल के हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए हैं और मसाला इकट्ठा सा होना शुरू हो गया है। तो ये हमारे मसाले की पहचान है। इस वक्त हम इसमें जो हमारे फ्राई किए हुए मशरूम्स थे वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से इसमें 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह इसमें चढ़ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे मसाले के साथ।
फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनको कम पसंद आती है क्योंकि इसमें थोड़ा मीठी फ्लेवर होता है, तो लेकिन अगर ये ट्राई की जाए तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। अब देखिए, इस वक्त हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने टोटल 2 कटोरियां पानी इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार इसमें पानी की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। इस वक्त हम इस पर लिड लगा देंगे और 2 विसल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ हो जाता है हम लिड खोल लेते हैं और वाह भाई वाह, देखिए कितनी प्यारी हमारी सब्ज़ी बनी है और इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है ग्रेवी का। जिस तरह की कंसिस्टेंसी ग्रेवी की हमें चाहिए उसी तरह की है ये, तो इसको और पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ, जो इसका श्रृंगार है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और एक खुशबू आ जाती है सारी सब्ज़ी में, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। बस अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया कीजिए, बड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लिया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा और येलो बेल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी नई से नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ सब्ज़ी को हमने बोल में निकाल लिया है और बस इसको हम हरे धनिए से थोड़ा सा और सजा लेते हैं ताकि ये देखने में जितनी प्यारी लग रही है उसमें 4 चांद और लग जाएं। तो इसे आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, आपको बराबर से मज़ेदार ये सब्ज़ी लगने वाली है। तो तैयार है हमारी मशरूम मसाला करी जो कि बेहद लजीज है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से, और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। आप लोगों के कोई सजेशंस हो मेरे लिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।